बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है जी तो सारे ठीक ठाक हो। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह का नाम लैके आज की वीडियो करने हैं शुरू। सियालकोट खारियां मोटरवे, हाँ जी, सियालकोट खारियां मोटरवे का अज तो तकरीबन 1.5-2 महीने पहला वजीर आजम इमरान खान ने इफ्ताह किया हा, और इस इफ्ताह तो बाद इंजी आ कि इस मोटरवे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वह इस तो बाद शुरू हो जाएगा। यह मोटरवे जी इफ्तिताह तो बाद बननी जल्दी शुरू हो जाएगी। बरल अली है दे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो नहीं शुरू होया, क्योंकि कोई भी जिस वेले नवा प्रोजेक्ट होंदा वो काफ़ी मराहल होंदे ने, और जेडे समझो सारे मराहल कंप्लीट कर गए तो फिर ही वो प्रैक्टिकली जो वर्क है वह बाद शुरू होंदा। इस मोटरवे का भी सब तो पहला रूट सिलेक्ट किया गया कि संभड़ियाल दो लागे खारियां ताईं यह मोटरवे कित्थों गुजरेगी और केड़े पिंड जो और केड़ी सिटी दे नेर दी यह मोटरवे बनेगी। निशानदेही हुई पहला, उस तो बाद एदे वास्ते जेड़े पुल समझो ब्रिज अंडरपास और जेड़े फ्लाईओवर बनने हैं उन्हां दी निशानदेही की गई, और उन्हां दी जेड़ी सोयल टैसटिंग होंदी है मिट्टी जेड़ी बोर करके जिथे समझो पुल बनना है अंडरपास बनना है या फ्लाईओवर बनना है वो उत्थे बोर करके वो मिट्टी जी लैबोरेटरी भेजी जाती है, और मिट्टी टेस्ट की जाती है कि इस जगह पर कितना स्ट्रोंग समझो ब्रिज चाहिए या अंडरपास या फ्लाईओवर जोड़ा वो कितना मजबूत टांचा होना चाहिए। वो जोड़ा मराहल है वह तो तकरीबन मेरे ख्याल उन्हें विदिन मंथ यह कंप्लीट करना हाँ, और तकरीबन मेरे ख्याल जो कंप्लीट हो गया होना है या अली जेड़ा ना कुछ दिन बाद वो मराहल जेड़ा मिट्टी टेस्टिंग वाला सोयल टेस्टिंग वाला वो हो जाएगा। उस तो बाद मेन जेड़ा काम है इस मोटरवे का वो लैंड जमीन जेड़ी है इस मोटरवे वास्ते चाहिए ही वो खरीदना जेड़ा मेन काम है वो आ। उस तो बाद ही है मोटरवे जेड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क जेड़ा है प्रैक्टिकली उस जमीन खरीदन तो बाद ही शुरू होगा। जमीन जेड़ी है वो संभड़ियाल दो लागे खारियां ताईं जेड़ी टोटल है वो तकरीबन 64 जेड़े पिंड ने एदे विच मोटरवे विच आंदे ने, और जेड़े 14 पिंड ने वो संभड़ियाल दे ने जिन्हां विचों मोटरवे गुजरेगी, और उस तो बाद दरियाए चनाब तो टप के जिला गुजरात शुरू हो जाता है। जिले गुजरात तहसील व जिले गुजरात जो 28 पिंड जमीन खरीदी जाएगी इस मोटरवे वास्ते, और उस तो बाद जिले गुजरात की जी तहसील वह शुरू हो जाती है, वो हद तहसील जी खारी है वो 22 पिंड इस मोटरवे वास्ते जमीन खरीदी जाएगी। समझो 14 पिंड जेड़े ने वो आते ने जिले सियालकोट के तहसील संभड़ियाल के जिन्हां विचों मोटरवे गुजरेगी। उस तो बाद दरियाए चनाब टप गए 28 पिंड जेड़े ने वो तहसील व जिला गुजरात दे आते हैं। उस तो बाद जिला गुजरात की तहसील है खारियां वो जेड़े ने 22 पिंड आते हैं इस मोटरवे, क्योंकि संभड़ियाल तो शुरू होनी और एंड जेड़ा एदा है वो खारियां जाके होना है। उस तो बाद जी एदा क्योंकि यह सैकेंड फेस है, थर्ड फेस जो खारियां तो शुरू हो गए तोड़ पिंड इस्लामाबाद मोटरवे आएगी। जमीन जी संभड़ियालू तो तकरीबन मेरे हाल फाइनल हो गई, खरीद ली जी जमीन है इस मोटरवे वास्ते चाहिए ही, और हूँ जी जिले गुजरात जो मोटरवे गुजरनी उतों जी जमीन हूँ खरीदी जा रही, और इस जमीन खरीदद तकरीबन अली 3 महीने होर लग जाने कंप्लीट जी जमीन है वास्ते जी चाहिए, क्योंकि टोटल 69 किलोमीटर है संभड़ियाल दो लागे खारियां ती सियालकोट खारियां मोटरवे। तो नवंबर जा रहा, नवंबर दसंबर जनवरी फरवरी ताई ए इंशाल्लाह जेड़ा काम प्रैक्टिकली शुरू हो जाएगा, बननी शुरू हो जाएगी मोटरवे, क्योंकि हूँ आखिरी मराहल है आखिरी स्टेज जी है कि जमीन जी फाइनल खरीदी जाए, और जेड़े जमीन के ओनर ने उन्होंने पेमेंट कर गए तो फिर गोरमेंट जी ए कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करेगी। उम्मीद है कि तुहानू यह वीडियो पसंद आएगी, छोटी जी अपडेट आई ही तो मैं आख्या जेड़ा तुहाडे नाल शेयर करा, क्योंकि काफ़ी दोस्त जेड़े ने वो
इस मोटरवे वास्ते जल्दी जड़ा ना चाहते हैं कि मोटरवे बने और साढ़े एरिए जिले गुजरात में और जितना भी समझो क्योंकि यह मोटरवे जिस वे कंप्लीट हो जानी है इस्लामाबाद तो लाहौर ताई तो कहते हैं जी पहला जा रही है M11 इस्लामाबाद लाहौर वो नालू इस मोटरवे के जिसल सफ़र किया जाएगा तो 100 किलोमीटर का फर्क पवेगा इस्लामाबाद तो लैके लाहौर ताई 100 किलोमीटर घट जिहड़ा सफ़र करना पवेगा उस दी निस्बत जिहड़ी M11 जिहड़ी मोटरवे बनी है उहदे नालों इहदे दे टाइम भी बचेगा और 100 किलोमीटर का घट सफ़र हो जाएगा जिसल कंप्लीट पिंडी ताई गई क्योंकि सियालकोट तो लैके लाहौर ताई जिहड़ी वह तो हुण फंक्शनल उहदे समझो ट्रैफिक बाल है वो तो कंप्लीट हो गई तकरीबन मेरे हाल 2020 हुई है तो वो हूँ यदा सैकंड फेज जो सियालकोट तो लैके खारियां ताई बनेगा और थर्ड जरा समझो पार्ट रह जाएगा वो भी तकरीबन मेरे हाल जो निशानदेही हो रही है बरल वो टाइम लगेगा यह तो विथन जरा 2-2.5 साल के अंदर अंदर सियालकोट लैके खारियां ती कंप्लीट हो जाएगी और उस तो बाद जी नैक्स बननी है खारियां तो लैके पिंडी ताई वो शुरू होगा काम तो मिलने किसी और अच्छी जी वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।